हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो टेक्निकल परिवार में आपका स्वागत है। गाइस, काफी तरीके के कार्ड यहाँ पर हमारे डिजिटल इंडिया में आ रहे हैं। जैसे कि अभी आ रहे हैं पोस्ट पे के बारे में आपने सुना होगा। नहीं सुना है तो हम बताते हैं कि पोस्ट पे है क्या। आप हाँ कह सकते हो कि डिजिटल क्रेडिट कार्ड, लेकिन क्रेडिट कार्ड से किस तरीके से बेहतर है, किस तरीके से बेस्ट है, ये हम जानेंगे। ये एक तरीके से पे लेटर कार्ड होता है, जैसे कि अभी शॉपिंग कर लो बाद में पे कर देना। लेकिन क्या है क्या नहीं है और किस तरीके से बेहतर है एक क्रेडिट कार्ड से और अन्य कार्ड से, तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे। और इसके लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, जब आप अप्लाई करेंगे इसकी क्या प्रोसेस होगी और आपको कितने तक की लिमिट मिलेगी, कितने पैसे तक आप इससे शॉपिंग कर पाएंगे और कब आपको उसे चुकाना होगा और किस तरीके से आपको ये सारा पेमेंट वापस रिटर्न करना होगा और इसका फायदा क्या है, तो गाइज इस वीडियो में बने रहिए। गाइज, पोस्ट पे जो कार्ड है, इस कार्ड के आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देना, मतलब कोई भी ब्याज नहीं देना। सपोज करो आपने कोई 50,000 का एक प्रोडक्ट खरीदा या शॉपिंग की, या 50,000 रुपए आपने किसी को सेंड कर दिए और उसके बाद में आप उसे एक महीने के बाद में आप चुकाते हैं, तो आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देनी होती है। लेकिन जो आपकी चुकाने की तिथि है, जो डेट है, उस डेट पर आपको पे करना था ये अमाउंट जो आपने खर्च किया है, लेकिन आप पे नहीं करते हैं, तो आपको एक भारी इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ेगा, 1.5% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। आप इसको ठीक क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे भी काफी बेहतर, क्रेडिट कार्ड से भी बेहतर आपको यहाँ पर फैसिलिटीज मिलती है। जैसे कि आप किसी को पेमेंट भेजना चाहते हैं तो आप वो पेमेंट भी भेज सकते हैं। अगर आपको किसी दुकान पे जाना है और पेमेंट करना है तो QR कोड स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इससे UPI वगैरह भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट पे कार्ड है वो रुपे या वीजा की तरफ से जारी किया जाता है। तो गाइज, अब इसे अप्लाई कैसे करना है, यानी पोस्ट पे कार्ड को हम अप्लाई कैसे करें कि हमें मिल जाए, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए आपके पास एक ऐप डाउनलोडेड होनी चाहिए आपके फोन में, जिसका नाम है पोस्ट पे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, जहां पर जाओगे और डाउनलोड कर लोगे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके। लेकिन अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड को डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करना होगा। इसके लिए जो आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है, वहां पर एक OTP आएगा और सिंपली OTP से आप आधार कार्ड वेरीफाई कर दोगे। इसके बाद में पोस्ट पे की एक टीम है जो आपको रिव्यू करेगी, 1 से 2 दिन का टाइम लेगी और उस टाइम पीरियड में जांच करके आप वैलिडेट कर देगी कि हाँ भाई आपका ये अप्रूव हो चुका है, और आपको फिर एक कार्ड की जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, जैसे CVV, कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट वगैरह, ये सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसे आप जैसे हमारे डेबिट कार्ड के नंबर वगैरह यूज करते हैं फोन पे वगैरह चलाने के लिए या फिर कुछ भी, और उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इससे कुछ भी छोटे छोटे काम, जैसे कि रिचार्ज करना हो, शॉपिंग करना हो, वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में आप इसे फिजिकल मंगवा सकते हैं। और एंड गाइस, लिमिट की बात करें तो इसमें 1,000 से 10,00,000 रुपए तक की आपको लिमिट मिल सकती है। ये डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका जब ये वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, जब आपके पैन कार्ड को देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपका जो स्टेटस देखा जाएगा, उसके बाद में ही आपको एक लिमिट दी जाएगी। उस लिमिट को आगे जाकर इंक्रीज भी किया जाएगा। और दोस्तों, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और कैसे अप्लाई करना है, इसकी पूरी जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और सब कुछ जानिए भी, अगर आपको और भी कुछ जानना है। और बाकी जो रह रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। टेक्निकल परिवार में आपका स्वागत है।